आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब देखिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया है। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो देखिए रेड मार्बल्स कितनी है, 5। व्हाइट मार्बल्स कितनी है हमारे पास में, 8। एंड ग्रीन मार्बल्स कितनी है, 4। टोटल मार्बल्स 17। टोटल मार्बल्स कितनी हुई, 17 मार्बल्स हुई। ओके अब हमें क्या पूछा है, वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट और नॉट ग्रीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है कि इसमें अगर मार्बल क्या हो, रेड हो। ओके तो यहाँ पे देखिए रेड मार्बल्स में कितने मार्बल्स दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास में, 5। देन टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास में, 17। 5/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट। ओके सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वाइट के, 8। सो 8/17। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन, ओके सो फ्रेंड्स ग्रीन मार्बल्स कितने हमारे पास में, 4 दिए हुए। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ग्रीन। सो इट इज इंडिकेट बाय पी ई डैश इज इक्वल टू 1 - पी ऑफ ई। पी ऑफ ई इज द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ग्रीन। ओके सो 1 - तो इसका पहले दीजिए 4/17। क्यों, अगर ग्रीन होता है तो उसका आउटकम्स कितना होगा, 4। टोटल आउटकम्स कितना है, 17। तो 4/17, 17 - 17 -4/17, 70 - 4 13/17। ओके चलिए ये हो गया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अ पिगी बैंक कंटेन 105 पैसा कॉइन। तो देखिए मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ 5 पैसा कॉइन इज इक्वल्स टू 100 कॉइन, रुपीज 1 कॉइन कितना है, 50, रुपीज 2 कॉइन 20, रुपीज 5 कॉइन 10। टोटल अगर हम इसका करते हैं तो 150, 150, 170, then 180। ओके 180। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन,
यानी अगर हम पिगी बैंक को अपसाइड डाउन यानी नीचे की तरफ करते हैं, उसमें से रेंडमली वन कॉइन हम पिक करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन? तो हमारा क्या दिया है, विल बी अ 50 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे का कॉइन हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके तो फ्रेंड्स देखिए, 50 पैसे का कॉइन कितना दिया हुआ है हमें, 100 दिया हुआ है। तो P ऑफ E इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमें दिए हुए हैं 100 अपॉन 180, जीरो से ज़ीरो कट कीजिए, 10 अपॉन 18 आया, 2 से कट हो सकता है, तो 5 अपॉन 9 ये हमारा आंसर हुआ। ओके 5 अपॉन 9 क्लियर। सेकंड हमें पूछा है विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन। ओके तो विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, तो देखिए नॉट आया है तो जैसे मैंने आपको बताया से कैसे इंडिकेट करेंगे, पी ई डैश से इंडिकेट करेंगे, वन माइनस पी ओ पी, वन माइनस 5 रुपीज़ का कौन दिया हुआ है 10 अपॉन 180, जीरो से ज़ीरो कट करो, वन माइनस 1 अपॉन 18, 18 वन ज़ा 18 माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू कितना हो गया फ्रेंड्स, 17 अपॉन 18, कितना हुआ 17 अपॉन 18 क्लियर। चलिए ये हो गया, अब देखिए आगे का सब सॉल्व करते हैं हम। 11 नंबर का सम है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, यानी अपने जो मछली घर है एक्वेरियम है उसके लिए वो क्या करती है, फिश बाय करती है। शॉपकीपर टैग्स आउट वन फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। शॉपकीपर बिना देखे हुए जो वाटर टैंक होता है उसमें से 5 मेल फिश होती है और 8 फीमेल फिश होती है। ओके व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? अब देखो उसमें से अगर हम फिश निकालते हैं तो कौन सी हो, मेल फिश हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे मेल फिश कितनी दी हुई है 5, फीमेल फिश कितनी दी हुई है 8, टोटल कितना हुआ 13, और हमें क्या पूछा है मेल फिश हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पी ऑफ इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे फ्रेंड्स 5, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 13, तो हमारा आंसर कितना आया 5 अपॉन 13। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हमें कहा गया है कि एक नंबर गेम है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट अ स्पिनिंग एन एरो, स्पिन करते हैं एक एरो लगा हुआ है, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट ए? ओके तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में, 1, 2, 8 दिए हुए हैं तो 8 हमारा टोटल आउटकम्स है। ओके अब हमें पूछा है 8 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया हुआ है ओके यहाँ पर हमें पार्ट्स बनाए हुए हैं
यहाँ पे लिखा है वन, इस तरह से टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और यहाँ पर एरो दिया हुआ है, जो एरो है वो किस पे इंडिकेट करे, एट पे इंडिकेट करता है, ठीक है। तो एट कितने टाइम है, वन टाइम है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे पी ओ पी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में आ जाएगा टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एट, क्योंकि एट का जो नंबर है वो कितने टाइम है, वन टाइम है, ठीक है। सेकेंड नंबर, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें टू से डिवाइड ना किया जा सके, तो ऑड नंबर में कितना आएगा, वन थ्री फाइव एंड सेवन, ओके। तो वन थ्री फाइव सेवन टोटल नंबर्स कितने हुए, फोर हुए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फोर अपॉन एट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू, ओके। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन टू, टू से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अ नंबर ग्रेटर देन टू कितना आएगा फ्रेंड्स, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल नंबर कितने हुए, सिक्स हुए, ओके। तो देखिए यहाँ पे पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स, ओके। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं फ्रेंड्स, सिक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, एट हैं, थ्री टू जा सिक्स, फोर टू जा एट, मीन्स कितना आएगा, थ्री अपॉन फोर, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें पूछा गया है अ नंबर लेस देन नाइन, अ नंबर लेस देन नाइन, ओके। तो नाइन से लेस कितने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए फ्रेंड्स, एट अपॉन एट इज इक्वल्स टू कितना होगा, वन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कितना देखा, क्वेश्चन नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बहुत इजी क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछने लायक है, बहुत इजी है, सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, जहाँ नहीं आता है आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, पूछिए। थैंक यू वेरी मच।